हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3ds मैक्स के अंदर आप डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं और आप उसकी हेल्प से क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे पास ये दो बॉक्स हैं। अब जैसे मैंने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर किया है, इस टाइप के डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे सिंपल तरीका है किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो क्या है कि आप यहाँ पे जाओ हेल्पर में और यहाँ पे आपको मिलेगा एक आपको टेप टूल। मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की मेरे को मान लो लेंथ विड्थ और हाइट पता करनी है, या फिर मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्नैप ऑन करूंगा, वर्टेक्स को स्नैप करेंगे और टेप पे क्लिक करो और आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक ड्रैग करके एंड होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से आपको लेंथ पता चल जाएगी कि ये लेंथ 2 फिट की है। यहां से एक्सिस भी बताएगा कि एक्स एक्सिस में 180 डिग्री के डायरेक्शन पे आपकी लेंथ है। यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये 4 फीट आ गया। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो कि 2 फीट आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करके इसके बीच में भी क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये डिस्टेंस आ गया 5 फीट 5 इंचेस का। अब मान लो ये तो चलो इजी है कि आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके उसके बीच का डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि मान लो मेरे को इस बॉक्स को 2 फीट उधर करना है, 2 फिट मेरे को राइट में लेके जाना है, एक्स एक्सिस पे लेके जाना है। तो उसके लिए अगर मैं क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करूं, मैंने स्नैप ऑफ किया, अब अगर मैं ड्रैग करूं, अब मुझे नहीं पता कि मैं एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे लेके जाऊं, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे मेरे को डायमेंशन दिख रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस की, इसमें मैं 2 ऐड करूं, 7.6 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे करके 5 को 7 फिट 6 इंचेस कर दूं तो 2 फिट मेरा उधर आ जाएगा। बट कभी कभी ये मेजर करना भी थोड़ा सा टफ होता है। तो इसका शॉर्टकट क्या है अगर मेरे को ये करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मूव पे मैं राइट क्लिक करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑफसेट वर्ल्ड। अभी जो एक्स के अंदर डिस्टेंस है वो 5 फिट 6 इंचेस है, अगर मैं इसमें 2 फिट का ऑफसेट डाल देता हूँ यहाँ पे 2 एंटर, तो आप देखोगे ये 2 फिट आपका यहाँ से इधर हो गया। अब अगर मैं इसको मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेप मेजरिंग टूल स्नैप ऑन करके, क्योंकि वर्टेक्स को स्नैप करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ये 7 फिट 4 इंचेस हो गया। इस तरीके से आप अपनी चीजों को ऑफसेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस नजर आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मैं इनको डिलीट करता हूँ इन सभी चीजों को। अभी मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, वो है डिजाइन टूल बॉक्स। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास भी ये ऑप्शन यहाँ पे नजर आए, इसको देखने के लिए मेरे को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो डिजाइन टूल बॉक्स फॉर 3ds मैक्स, यहाँ पे क्लिक करो जो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, बंप का ये है ऑप्शन, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, आपको नीचे डाउनलोड इंस्टॉलर पे ले जाएगा। बेसिकली ये पेड वर्जन है, अगर आप इसको लाइफ टाइम यूज करना चाहते हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा, वरना डेमो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डिजाइन बॉक्स, आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। जैसे ही डाउनलोड करोगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओके करके आप इसे ओके करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो वो डुप्लीकेट इंस्टॉल नहीं करेगा। उसको करने के बाद जैसे ही आप मैक्स को रिस्टार्ट करोगे तो यहाँ पे डिजाइन टूल बॉक्स के नाम से आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे रिबन बटन पे क्लिक करो ताकि इसके ऑप्शन नजर आए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डिस्टेंस का। क्लिक ऑन डिस्टेंस, आपको करना सिर्फ इतना है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप इस तरीके से देख सकते हो। बट ये टेम्परेरी डिस्टेंस है कि जैसे आप बाहर राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आओगे ये आपका हाइड हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से भी आप 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को यहाँ से मेजर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपका इजी तरीका है, ये कर सकते हो, वरना आप टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से भी मेजर कर सकते हो और किसी भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो।
इस तरीके से। तो ये था आप किस तरीके से चीजों को मेजर कर सकते हो, मूव कर सकते हो जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो इन सब चीजों की आपको बहुत नीड पड़ती है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।